हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फलक डिजाइनर चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको मैं इस डिज़ाइन का पहले से ही डेमो दिखा चुकी हूँ, तो फ्रेंड आज मैं आपको इसे बना के बताऊँगी ये कैसे बना हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं, ये कैसे बना हुआ है। तो बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको 2 प्लाई का ऊन लेना होगा और ये दो आप कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं पीला और काला में ली हूँ। और आपको चाहिए होगा फ्रेम और ये तकिया का जो कपड़ा है, मैं आपको इसी में आपको बता के दिखाऊंगी कि कैसे बना हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। पहले मैं फ्रेम लगा लेती हूँ कपड़े में। फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं फ्रेम लगा चुकी हूँ। इसी तरह आपको फ्रेम लगा लेनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है जो डिज़ाइन, इसी तरह आपको डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। इसे मैं फ्रेम लगा चुकी हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको नहीं दिखाई तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है, नहीं तो आपको फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगी। फ्रेंड आप देख रहे हैं इसी तरह के आपको ड्रॉ करना है अपने तकिया में, चादर में भी इसी तरह का ड्रॉ करके ये बना हुआ है। तो फ्रेंड चलिए बनाते हैं। फ्रेंड इस डिज़ाइन के बारे में बहुत सी कमेंट आ रही थी कि मैम आप इसे बना के बताएं। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे दूसरी डिज़ाइन बनानी थी, इसलिए मैं आपको ये बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। लेकिन फिर अब मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि कैसे ये बना हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जैसे कि आपको समझ में आएगा कैसे बना हुआ है। ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, आपको देखने में हार्ड लगता होगा लेकिन ये बनाने में बहुत आसान है। आपको बनाने से पहले ये आपको सुई लेना है, जो वो बड़ी वाली सुई लेना है आपको, जैसे कि आपको जो 2 प्लाई का जो ऊन है उसमें डल जाए। पतली वाली सुई लीजिएगा तो वो धागा जो आपका ऊन है वो नहीं जाएगा उसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मेरी लाइन है वो कंप्लीट हो गई। अब इस लाइन पे आपको दूसरी कलर के लगाना है, जैसे कि आपको कलर क्या करना है कि आपको खुद से चॉइस करना है। यहाँ पे मैं पीले कलर के लिए हूँ, जो मेरी जो डिज़ाइन आपको दिखाई हूँ बेडशीट का वो रेड कलर से मैं बनाई हूँ, रेड और ब्लैक में। और ये मैं आपको बताने के लिए आपको पीला और ब्लैक में ली हूँ, आप चाहें तो कोई भी कलर चॉइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पीले कलर से ऊपर में जो दिया हुआ है सर्कल के लिए, तो इसी तरह आपको क्या करना है कि जब पीले कलर का जो हाईलाइट कर रहा, मतलब हाईलाइट आपको जो भी कलर करे उसमें आपको फूल में डालना है, ठीक है। तो इसमें मैं पीला कलर का लेके फूल में बनाऊंगी। आपको क्या करना है, बीच में सुई को डालना है, ठीक है। यहाँ से लेनी है आपको, फिर यहाँ से धागा, देख रहे हैं फ्रेंड, फिर से दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे जो धागा है और इस सुई को मैं ऐसे डाली हूँ और इसको धागा इधर से नहीं, इस साइड से, ठीक है।
इसी तरह आपको बैठा बैठा के इसे पकड़ लेना है, इसे धागा को बीच में ऐसे सुई डाल के यहाँ से लेनी है। ठीक, देख रहे हैं फ्रेंड ये कैसे बन रहा हुआ है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन मैं बनाई हूँ, इसी तरह आपको ये तीनों लाइन बनानी है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जितना छोटा आप डालिएगा कपड़ा उठाइएगा, जितने कपड़ा छोड़ छोड़ के उठाइएगा उतना ही खूबसूरत बनेगा। ज़्यादा चौड़ा चौड़ा कर दीजिएगा, ज़्यादा लंबा लंबा आप लीजिएगा इसका दूरी, तो फिर ये क्या होगा कि आप जो भी ये वाला बांधेंगे तो बहुत ही दूर पे दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। आपको छोटा छोटा टॉप लेना है, देखिए इसी तरह आपको लेनी है छोटी छोटी।
तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों लाइन बन गई है, इसी तरह आपको बनानी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो फूल बना हुआ है, इसे आपको क्या करना है कि जिस कलर से ये फूल बना है आपको उसी कलर से इसको भी बना लेनी है। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे बना हुआ है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल को बनाना है आपको इसी तरह करके, नीचे सुई लेना है और ऊपर की तरफ सुई आपको देना है इतनी दूरी पे, ठीक है। और ये धागा आपको इसे लेना है और यहाँ पे आपको डाल देनी है, देखिए इस तरह बनेगा। और जैसे सुई आपका जो बीच से निकला है तो आपको सुई को क्या करना है कि यहाँ से अंदर से नहीं डालना है आपको, इसके आगे से डालना है से, देखिए इस तरह आगे से डालने से क्या होगा ये बन जाएगा, नहीं तो फिर अंदर से डालेगा तो ये बंधेगा नहीं। इसी तरह आपको इस साइड के भी बना लेनी है। फिर से आप देखिए ऐसे करके, ठीक है। देख रहे हैं फ्रेंड कैसे बना हुआ है, इसी तरह आप बनाइएगा। देखिए इसी तरह हम इसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बन के रेडी है पूरी, इसी तरह आप बनाइएगा। जैसे यहाँ पे आपको मैं पहले दिखाई इसी तरह सेम इसी ये भी बना हुआ है, इसी तरह आपको सारे फूल को बना लेनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आई तो मैं आपको फिर से बताऊंगी, ठीक है। फ्रेंड मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो जितनी भी बनती है अच्छी बनती है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।